ओके, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन. फॉर द आइडल ट्रांसफॉर्मर फाइंड I1, I2, V1, V2, V0 एंड कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स. ये सारे पॉइंट हम इसी क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं. तो कैसे करेंगे हम I1, ये आइडल ट्रांसफॉर्मर सर्किट है. तो हम आइडल ट्रांसफॉर्मर सर्किट का जब भी क्वेश्चन देखें तो हमें रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस की हेल्प लेनी चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए. तो उसको देखो कैसे करेंगे. रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस कहाँ से देखते हैं, यहां से, ठीक है. उसके लिए क्या चाहिए पहले मुझे, जेड एल, जो कि मैं देखता हूँ सेकेंडरी के टर्मिनल से. तो जेड एल अगर मुझे पता चल जाए तो मैं जेड आर निकाल सकता हूँ. तो जेड एल जो होगा, जेड एल मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या होगा, जेड एल. आप ध्यान से देखो, ये और ये सीरीज में, उसके साथ ये जे थ्री किस में, पैरेलल में. तो 12 - J6 पैरेलल है किसके, जे थ्री के. इसको जब सोल्व करेंगे ये बचेगा J6, सॉरी इसको जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12 - J6 मल्टीप्लाई बाय J3 अपॉन 12 - J6 प्लस J3, ठीक है. तो जेड एल जो आएगा यहाँ से मैं लिख रहा हूँ वो, ये इसको जब सोल्व करेंगे आगे तो आएगा हमारा 6 + J12 अपॉन 4 - J, ठीक है. ये आ जाएगा जेड एल. जेड आर निकालो, जेड आर क्या होता है, N1 / N2 का स्क्वायर इंटू जेड एल. तो N1 / N2 यानी 1/2 का स्क्वायर इंटू 6 + J12 अपॉन 4 - J. यहाँ से आएगा 1/4, 4 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये 1.5 + J3 अपॉन 4 - J. जेड आर आ गया. I1 कितना होगा, I1 होगा देखो यहाँ से, यहाँ से पहले ये I1, सॉरी यहाँ से I1 क्या होगा, ये वाला वोल्टेज अपॉन दिस प्लस दिस वाला इम्पिडेंस, ठीक है. तो इसके साथ 2 जो जेड आर के सीरीज में, तो टोटल अगर मैं यहाँ से जेड इन कहूँ तो जेड इन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 + ZR के. तो 2 + 1.5 + J3 अपॉन 4 - J. इसको जब एल से हम लेंगे तो कितना आएगा, 8 - J2 और ये आ गया J3 अपॉन 4 - J, ठीक है. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1.5 था ना, यहाँ पे इसका 1.5 छूट गया, 1.5 + J3 था. तो इसको जब सोल्व करेंगे तो जेड इन जो आएगा हमारा, मैं वो लिख रहा हूँ, 8 + 1.5 कितना आ गया, ये 9.5, ये बचेगा जे अपॉन 4 - J. इसको उसमें चेंज कर लो, फेजर में, फेजर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, अंडर द रूट 9.55 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. इसका एंगल कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/9.5 अपॉन अंडर द रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. और इसका एंगल कितना आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, -10 inverse 1/4. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ, 2.32 आएगा और एंगल आएगा इसका 20.06 इतने ओम, ठीक है. तो I1 कितना आ जाएगा, I1 कितना आ जाएगा, 60, ये वाला वोल्टेज अपॉन ZIN. तो I1 जो आ गया हमारा 60 अपॉन जेड इन कितना आया, 2.32, 20.036. तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा ये 25.9. इसमें से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 69.964 डिग्री. तो I1 आ गया, ठीक है. तो हमें पता I2 / I1 क्या होगा, यहाँ से निकालो, I2 / I1 क्या किसके इक्वल होगा, N1 / N2 के. ये होता है I2 / I1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, N1 / N2.
यानी 1/2। ठीक है, अब साइन देखना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। देखो इसमें ये आई वन एंटर कर रही है और आई टू ऐसे करके आ रही होगी, ऐसे करके लीव कर रही है। ये जब एक एंटर करे, जब लीव करे तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, यानी एजिटेड रहेगा। तो आई टू कस टू कितना हो जाएगा, आई वन अपॉइंट टू है ना। तो आई वन अपॉइंट टू यानी 25.9, 69.964 अपॉन टू। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 12.95, एंगल ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आई टू भी आ गया, आई वन भी आ गया। जो जो पूछते आ रहा सारे निकालते चले जाएंगे वैसे ही। यहाँ से पहले अब वी वन निकाल लूँ। वी वन कितना हुआ, दिस वोल्टेज माइनस इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो 68 एन एंगल ऑफ माइनस नाइन, 60 एंगल 90 माइनस 2 I1, वो किसके इक्वल होगा, वी वन के। तो वी वन होगा 60 माइनस 2 I1, आई वन के कितना आया 25.9, 69.964। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इतना अब तक तो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए कि रेक्टेंगल टू फेजर या फेजर टू रेक्टेंगल कैसे चेंज करना, ये तो आ गया होगा। ठीक है, तो ये आएगा 21.06, 147.42 इतने वोल्ट। ठीक है, अगेन वी टू अपॉन वी वन क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन होगा क्या, एन टू अपॉन एन वन यानी 2 I1। वी टू अपॉन वी वन जो होगा वो 2 I1 के इक्वल होगा। अब साइन देखो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। वी वन इज पॉजिटिव और V2 भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं तो साइन पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू वी वन, वी वन की वैल्यू आई है 21.06, 147.42। तो यहाँ से इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 41.12 और एंगल 147.42। ठीक है, तो ये आ गया V2, वी वन आ गया, वी टू आ गया, आई वन आ गया, आई टू आ गया। ठीक है, और यहाँ से अब पूछा गया वी नोट। देखो वी नोट, वी नोट इसके एक्रॉस है, ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसके एक्रॉस भी क्या होगा, वी नोट ही होगा। और ये वी टू, देखो वी टू और वी नोट ये क्या है, वी टू यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है, यानी वी टू और वी नोट बराबर हो गए। ये क्या हो कि जितना एक वोल्टेज यहाँ पर होगा इतना ये वी टू इसके एक्रॉस आएगा, वी टू किसके एक्रॉस आ जाएगा, सेम वी नोट के। तो वी टू और वी नोट इक्वल होंगे, तो वी नोट बराबर वी टू होगा। ये कितना आया, 42.12, 147.42 इतने वोल्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा, कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स। तो कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स क्या होगी, दिस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय उसके करंट, उससे कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आई वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स क्या होगी, वोल्टेज 60 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय आई वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना। आई वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये लेंगे तो एंगल से पहले का साइन अपोजिट कर दो बस, एंगल ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, 25.9 या आ जाएगा माइनस 69.964। तो यहाँ से जो आएगा कॉम्प्लेक्स पावर, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1554, 20 पॉइंट कितना बचेगा, ये 90 में से इसको करेंगे लगभग 20 बचेगा, 20.04 इतने डिग्री। कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर मेजर करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर को। तो सारे पॉइंट एक एक करके मैंने निकाल दिए, देखो काफ़ी आसान था, बस जो कंसेप्ट वाइज चलते चले जाओगे तो कुछ भी पूछ लियो, उसमें जितने भी पॉइंट होंगे सारे निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।